जैन साथियों वेलकम बैक अगेन माय चैनल HP23 अनिल आर्मिनेटर, जो कि अभी जिसका नाम मैंने चेंज करके जो है अपने चैनल का मेरा नाम जो है चेंज कर दिया दोस्तों। तो मेरे चैनल का नाम जो अभी है वो है अनिल आर्मिनेटर ब्लॉग्स दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आशा करता हूँ आप लोग मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा देख रहे होंगे और लोगों के साथ भी शेयर कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे दोस्तों, जो कि मैं सबसे पहले यही आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें दोस्तों। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं एक और बेहतरीन जानकारी के साथ आप लोगों के सामने आ गया है। कई मेरे ऐसे एक्सर्विसमैन भाई हैं जिनको ये पता नहीं होता कि वो उनको CA तो भरना है, बट उनको ये पता नहीं रहता कि उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या है मुझे जिला सैनिक बोर्ड में सबमिट करने हैं दोस्तों। तो आज उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों। दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और भी एक्सर्विसमैन भाइयों तक इस जो है इन्फॉर्मेशन को जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके दोस्तों। मैं हमेशा आपके लिए इतना ऐसे ही जेन्युइन क्या है वीडियोस लेके आता रहता हूं, ताकि जो है बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आपको परेशान ना होना पड़े जिला सैनिक बोर्ड में जाने के बाद दोस्तों, कि आपको वहां पर करना क्या है, आपको कैसे वहां पर क्या है जो अपने CA की कार्रवाई को कैसे करना है दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपका एक मैंने CA के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियोस बनाई हुई है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि ऑनलाइन आप कैसे CA के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो उस वहां पर ऑनलाइन ही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है दोस्तों। आप फिजिकली भी जा सकते हो जिला सैनिक बोर्ड में, लेकिन बट उसके लिए क्या है आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है दोस्तों, क्योंकि आपको वहां पर जाना पड़ता है, वहां पर आपको चक्कर काटने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर आजकल कोई भी कहीं भी जाते हैं हम अगर किसी भी जिला सैनिक बोर्ड में, तो कोई भी वहां पर टाइम से हमें अटेंड नहीं करता है दोस्तों। तो सबसे मेन एक तो रीजन वहां पर यह है कि जो भी सर्विसमैन है उनको कोई वहां पर क्या है अटेंड नहीं करता दोस्तों इतना जल्दी, तो और कोई इतना तवज्जो भी नहीं देता है एक सर्विसमैन को जितना कि क्या है सर्विस जितना वैल्यू मतलब ऑन ड्यूटी होते हुए उसके बावजूद क्या ऑफ ड्यूटी पे उतनी जो हम रिटायरमेंट हो जाते हैं उसके बाद इतनी वैल्यू एक सर्विसमैन की नहीं रहती दोस्तों। तो दोस्तों वो चीज हमें यहाँ पर एक मैटर करती है कि वहां का स्टाफ कैसा है जो जिला सैनिक बोर्ड का। अगर स्टाफ अच्छा है तो बहुत अच्छा है कि वहां का अगर स्टाफ आपकी हेल्प कर दे तो बहुत ही बढ़िया हो। बाकी अगर जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं दोस्तों, तो वो दोस्तों आज पूरी है जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन अलाउंस फॉर एक्स सर्विसमैन दोस्तों। तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या आपके लगेंगे, ताकि आप कभी भी इन डॉक्यूमेंट्स को क्या घर पे ना भूलें, ताकि आपको वहां पे बार बार चक्कर ना काटना पड़े दोस्तों। एक ही बार में आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाओ और सबमिट कर दो दोस्तों, वही जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूं। आप डॉक्यूमेंट्स जो मैंने यहाँ पर बताऊंगा आपको, वो एक भी डॉक्यूमेंट्स आपने मिस नहीं करना है दोस्तों, आपको प्रॉपरली पूरे डॉक्यूमेंट वहां पर लेके जाने हैं दोस्तों। और आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो के ऊपर चलते हैं। तो आज का जो है डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर है, वो सबसे पहला क्या है, हमें एक्स सर्विसमैन की जो है जो सर्विस बुक होती है वो, या डिस्चार्ज बुक, इन दोनों में से क्या एक की फोटो कॉपी करानी है, जिसमें आपका जो फर्स्ट पेज होता है इसमें आर्मी नंबर होता है, जो आपका डेट ऑफ सर्विस रहता है रिटायरमेंट की, वो फर्स्ट पेज आपने कॉपी करना है, सेकंड पेज को भी कॉपी करना है, और आपने वो पेज भी कॉपी करना है जहां आपके क्या है फैमिली डिटेल्स है दोस्तों। तो वो सारे, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरी डिस्चार्ज बुक की फोटो स्टेट करवा के वो भी आप कर सकते हैं, ताकि आपको और कहां वहां पर बार बार ये ना कहें कि ये नहीं है वो नहीं है, तो आप एक बार ही पूरी फोटो स्टेट करके रख लीजिए, कम से कम उसके 2-4-6 सेट बना के रखिए, ताकि आपको बार बार फोटो स्टेट कॉपी करवाने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए पहले से ही सेट बना करके अपने घर के ऊपर दोस्तों। तो बात हो गई डिस्चार्ज बुक की दोस्तों, तो डिस्चार्ज बुक की कॉपी चाहिए। उसके बाद ESM आई कार्ड, जो हमको आई कार्ड इशू करता है जिला सैनिक बोर्ड दोस्तों एक्स सर्विसमैन होने के बाद, तो वो उसकी एक फोटो, वो फोटो कॉपी भी आपने रखनी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो रखने हैं, बट साथ में आपने ये आई कार्ड के फोटो कॉपी, ये लगेंगी, जितने भी ये फोटो कॉपीज लगेंगी वहां पर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपने स्कूल प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड या मार्कशीट, जो जिस भी आपने ईयर का क्लेम करना है बच्चे का, उस ईयर की क्या है जो मार्कशीट या उसकी जो है या रिपोर्ट कार्ड है, तो वो उसकी उसको आपने लेके जाना है दोस्तों वहां पर। उसके बाद दोस्तों डिस्चार्ज बुक की जो कॉपी है वो, जिसमें आपकी फैमिली डिटेल्स रहती है, चिल्ड्रंस की जो डिटेल्स रहती है, जहां बच्चे की डिटेल रहती है, उसका एक फोटो कॉपी अलग से करना है आपने, तो वो भी यहाँ पर लगेगा दोस्तों। उसके बाद आधार कार्ड की कॉपी चाहिए दोस्तों, आधार कार्ड की कॉपी आपने करके ले जानी है। उसके बाद बैंक डिटेल्स देनी है आपने, अपने बैंक की जो डिटेल्स है, जैसे आपकी पासबुक है तो पासबुक के फर्स्ट पेज की कॉपी करके ले जाना है दोस्तों, अपने पासबुक का
तो वो चीज आपने करनी है वहां पर। और ये क्या है, आपने बैंक जो बैंक अकाउंट नंबर आप जो दोगे दोगे भाइयों, वो आपने सिर्फ देना है SBI और PNB का दोस्तों वहां पर। और बैंक अकाउंट नंबर के साथ हमने IFSC जो कोड होता है वो भी आपने वहां पर प्रोवाइड करवाना है, वो भी वहां पर लिखना है दोस्तों आपने। तो साथ ही साथ आपने कोड भी देना है, उसके बाद आपने जो बैंक अकाउंट नंबर देना है वो SBI का और PNB का देना है दोस्तों। तो दोस्तों और ये जो चिल्ड्रन अलाउंस है, ये तो थे, ये तो बात होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की जो आपने लेके जाने हैं। तो आई होप आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे समझ में आ गए होंगे, तो ये डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने हैं दोस्तों। और बात करूं जो ये चिल्ड्रंस अलाउंस है, जो ये सिर्फ हवलदार रैंक तक ही मिलता है दोस्तों। तो जो हवलदार से ऊपर है, जैसे JCOs हैं या उससे ऊपर जो रैंक है, उसको ये नहीं मिलता है, उसको ऑथराइज नहीं है दोस्तों ये। तो ये सिर्फ सिपाही से हवलदार तक ही क्या है, जो CA का अलाउंस है वो मिलता है दोस्तों। तो और जो CA का अलाउंस है दोस्तों, वो जैसे आपको आर्मी के अंदर हमें 27,000 मिलता था, तो उसका हाफ कर लीजिए आप, यानी कि 14 के अराउंड आपको, या 12,000 के अराउंड आपको मिलेगा। तो वो यहाँ पर आपने देखना है दोस्तों, तो वो चीज आपको यहाँ पर मिलने को देखिए, यानी कि 1,000 रुपये जो है बच्चे का हर महीने का मिलता है दोस्तों। एक्स सर्विसमैन को 1,000 रुपये बनता है एक महीने का, तो साल का हो गया 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये एक बच्चे पे मिलेगा और दो बच्चों पे आपको 24,000 मिलेगा दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों बात करो जो चिल्ड्रन अलाउंस है, ओनली मैंने आपको बताया कि वो फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक ही मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमेशा आपने याद रखना है। और इसको जो जो आपका फॉर्म जमा करने की डेट होती है दोस्तों, वो अप्रैल के लास्ट तक होती है दोस्तों। आप अप्रैल के लास्ट तक इस फॉर्म को आप जाके वहां पर सबमिट करा सकते हो जिला सैनिक बोर्ड में, उसके बाद ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाते दोस्तों। इसलिए आपको टाइमली ही जाके अपने जिला सैनिक बोर्ड में इसका फायदा जरूर उठाना है। मैक्सिमम मैं देखता हूँ कहीं एक्स सर्विसमैन भाई होते हैं तो वो इस चीज को क्या है बोलते हैं, क्या करना है इस चिल्ड्रन अलाउंस को। बट दोस्तों ये सोचिए, ये आपका पैसा है, 12,000 बहुत ही ज्यादा अमाउंट होता है साल में। अगर 12,000 रुपये आपको मिल जाए तो उससे ज्यादा क्या चाहिए। एक बार आप सोचते हो कि हमें बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे वहां पर, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आप ऑनलाइन भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन जब आप अप्लाई, मेरी वीडियो पर जाके आप देख लीजिए दोस्तों, मैंने उसमें बता रखा है ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दीजिए ऑनलाइन, या उस फॉर्म को प्रिंट करके, और जितने मैंने डॉक्यूमेंट बताए इनको आप कॉपी, इनकी फोटो कॉपी करके उस जो फॉर्म के साथ क्या अटैच कर दीजिए, और वहां सीधा डायरेक्ट जाइए आप जिला सैनिक बोर्ड में, और वहां पर क्या है उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दीजिए, और वो आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। और आपका जब वहां पर आगे जब डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड हो जाएंगे, तो जब आपका अप्रूवल मिल जाएगा वहां से, तो क्या है आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। और आप जो CA का जो अलाउंस का जो क्लेम है, वो आप फर्स्ट टू 12th क्लास और डिग्री अंडर जो डिग्री कॉलेज में जो ग्रेजुएट के जो अंडर ग्रेजुएट है वो वहां तक क्या इसको आप क्लेम ले सकते हो दोस्तों, उसके बाद ये क्लेम नहीं मिलता है दोस्तों। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलती है वो अलग अलग कॉलेज वगैरह की, तो वो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ये थी आज तक की आज की जो जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा, बिल्कुल जेन्युइन मैं आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वही लेके आऊंगा दोस्तों, ताकि आप लोग कभी आप लोग जो मैंने मतलब कि अपना एक्सपीरियंस देखा है सिविल में जाके कि क्या क्या परेशानी आती है जिला सैनिक बोर्ड में आकर, वही परेशानी मैं आपको सिर्फ यहाँ पर क्या उसी का सोल्यूशन मैं दूंगा दोस्तों आपको। तो वो सोल्यूशन मेरे चैनल के ऊपर आपको पक्का लगा दोस्तों, और मैं कभी भी कोई चीज बिना उसके कभी भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, मैं नहीं दोस्तों। जो एक बिल्कुल एक्यूरेट मेथड है वही चीज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरा मेथड या मेरा वीडियो बताने का तरीका जो अच्छा लग रहा हो, तो और भाइयों के साथ भी शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी क्या मोनेटाइज हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब इस इन वीडियोज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके दोस्तों। यही आशा करता हूं दोस्तों। इसी के साथ मैं मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।